जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जहरीले अपराधी हैं ना, बच्चा मत कहो। ये बच्चे नहीं है, ये प्रशिक्षित अपराधी हैं। इसने सतलिंगेश्वर महादेव पे पेशाब किया। ये मंदिर है आस्था का केंद्र। 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गाजियाबाद जिले के एक मंदिर में एक मुस्लिम बच्चे की बेरहमी से इसलिए पिटाई की गई थी कि वो मंदिर में पानी पीने गया था, मगर दासना मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती ने बच्चे की पिटाई पर कुछ अजीब ही बयान दिया है। इनका कहना है कि ये बच्चा मंदिर को खराब करने की कोशिश कर रहा था, इसके अलावा पेशाब किया और चोरी के भी ऐसे कई आरोप इन्होंने उस बच्चे पर लगाया है और इन्हीं सब वजह से उस बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है। मगर वही पीड़ित बच्चे का कहना है कि वो प्यासा था और मंदिर में पानी पीने गया था। अक्सर मंदिरों में भजन हमने सुना है कि एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। मंदिर मस्जिद खुदा भगवान का घर है जो हमेशा सबके लिए खुला रहता है, मगर दिल दिमाग में नफरत भरी हो तो पानी पीने आए बच्चे को भी ये नहीं बख्शते। आखिर इतना जहर ये धर्म के ठेकेदार कैसे समाज में घोल रहे हैं? मंदिर के गेट पर ही बोर्ड लगा रखा है कि मंदिर में मुस्लिम नहीं आ सकते हैं। इतना ही नहीं, आखिर इस छोटे से बच्चे से क्या खतरा हो सकता था जो उसे मुस्लिम होने की वजह से पीटा गया। नाबालिग लड़के का कहना है कि वो प्यासा था, पानी पीने गया था, और मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर को इस बच्चे से खतरा था, ये पेशाब यहाँ कर रहा था। जरा सुनिए एक मीडिया चैनल से बात करते हुए किस दौरान इनके दिल दिमाग में जहर भरा हुआ है, किस तरह का इन्होंने एक चैनल से बात करते हुए बयान दिया है, जरा सुनिए। क्या ये पूरा मामला हुआ था, बच्चा आया था, कहा गया था वो पानी बच्चा, पीने बच्चा नहीं था। मैं बहुत दिनों से मीडिया को समझा रहा हूँ, यहाँ ये 15-15 साल के अपराधी हैं, ये बच्चे नहीं हैं। ये बहुत जहरीले अपराधी हैं, इन्हें बच्चा मत कहो। जब कोई इसे कहता ना बच्चा था, मुझे इतना अफसोस आप लोगों की अज्ञानता पर होता कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बच्चा नहीं था, वो अपराधी था। लेकिन 15 साल उसकी उम्र थी, नाबालिग था, बच्चा ही कहेंगे उसे। और जिसने निर्भया का रेप किया था और निर्भया जिसके कारण मरी, वो क्या था? अफरोज नाम था ना शायद उसका, वो भी नाबालिग ही था। अभी डॉक्टर BS तोमर को हमारे यहाँ हत्या हुई, वो भी नाबालिग ही थे। ये जो इतना ज़्यादा क्राइम आज कर रहे हैं सब नाबालिग हैं, तो इनको सबको बच्चा मान के छोड़ते रहे। आज कानून में संशोधन की जरूरत है। मुसलमान के लिए 11 साल के बाद का अपराधी मानना चाहिए। जितनी चैन स्नैचिंग यहाँ हो रही है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी छेड़छाड़ हो रही है, वो यही कर रहे हैं जिन्हें आप बच्चा बोलती हो। ये बच्चे नहीं हैं, ये प्रशिक्षित अपराधी हैं। एक युद्ध चल रहा है यहाँ पे, हम लोगों के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है जिसे हिंदू मानना नहीं चाहता, लेकिन सत्य तो ये है कि इस युद्ध के ये युद्ध अपराधी हैं। लेकिन गलती क्या थी? कहा तो ये गया कि उसे पानी पीने के लिए आया था। कहा ना, उसने जब वो पकड़ लिया सरंगी यादव ने, सरंगी को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। वो असल में ऊपर सोया हुआ था, उसको समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। जब शोर मचा, उसने बेसिकली क्या किया था, उसने सतलिंगेश्वर महादेव पे पेशाब किया था और इसलिए झगड़ा हुआ है सारा, इसलिए सारा झगड़ा हुआ। पानी के लिए तो बेटा बाहर देख लो, बाहर नल है, गेट को जैसे आप सड़क पार करोगे, छोटी सी तो सड़क ही है, उसके पार ही नल है, और इधर पंचायत में नल है, पंचायती भवन है, इसमें नल है, पीछे दुकान में नल है। पानी पीने आपको गेट से कोई नल दिखाई दिया यहाँ तक? मतलब कम से कम 500 मीटर पर नल है, तो मतलब उसे यहाँ इतना अंदर तो आना था, वहाँ उसे नल नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है, ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों, मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है क्या? ये मंदिर है आस्था का केंद्र, जिसकी हमारे धर्म में, हमारे
उसमें आस्था नहीं है वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो अपने भगवान के सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी को मानते नहीं, जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं, मूर्तियों पे पेशाब करते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं, वो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? मुझे ये बता दो बेटा, क्यों आए? कोई जबरदस्ती है कि मंदिर में ही जाना? अपनी मस्जिदें इतनी सारी बना ली हैं, यहाँ 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? किस तरफ ये हमारा देश जा रहा है? मंदिर में पानी अगर एक प्यासे को नहीं मिल सकता है, वो भी मुस्लिम होने की वजह से। हिंदू मुस्लिम धर्म के ठेकेदार समाज में सिर्फ नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।